भाई ये दुनिया दुख से इतना भाग क्यों रही है यार? दुख में क्या बुराई है दुखी रहने में? दुख बेस्ट है मेरे हिसाब से। अब तुम्हारे लाइफ में अचानक खुशी आ जाए, क्या करना है तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि आदत नहीं है ना तुम्हें खुश रहने की। जो दुख है वो परंपरागत है, कई पीढ़ी से हम देखते आ रहे हैं, बाप का दुख, दादा का दुख, अपना दुख, सबका दुख। तो दुख कांस्टेंट है, ये हमारा कल्चर है यार। दुखी रहने में क्या बुराई है? खुशी के आंसू होते हैं, गम का साथ होता है। तुम्हें देखा है कि अब कोई दुखी है कोई आंसू निकल जाए? नहीं, स्टेटस लगता है दुख में। और खुशी के मारे लोग पागल हो जाते हैं। दुख में किसी को पागल होते देखा है? नहीं। दुख संभाल कर रखने की चीज़ है यार, तुम उसे हिफाजत से रखोगे। और दुख बहुत महंगी चीज़ है, सबको नहीं मिलती। अब अरिजीत सिंह कोका कोला जैसा गाना गाने लगे, मुन्नी बदनाम हुई डार्निंग तेरे लिए, तो अच्छा लगेगा? नहीं, क्योंकि अरिजीत सिंह का दुख बेस्ट है। और आधे से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग पहले दुखी ही थे, डीनो जेम्स, डिवाइन, मोदी जी। और कम से कम तुम्हारे लाइफ में बांटने के लिए तो कुछ है, दुख बेस्ट है यार। अब अचानक लाइफ में खुशी आ जाएगी तो तुमसे हजम नहीं होगी। मेरे लाइफ में अचानक से खुशी आने लगती है, नहीं, मैं तुरंत कलेश कर लेता हूँ कि मुझे दुख ढूंढना पड़ेगा यार। दुख के साथ मैं रह सकता हूँ क्योंकि उसका मेरा साथ लंबा चलेगा, राहुल द्रविड़ की तरह। दुख बेस्ट है यार, दुख बेस्ट है।